हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो वेटिंग टिकट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता भी होगा कि आजकल तत्काल टिकट मिलना कितना मुश्किल हो गया। तत्काल टिकट जल्दी मिल नहीं रहा है, वो चाहे वेबसाइट से बुकिंग करें या आप IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप से मतलब बुकिंग करें, लेकिन तत्काल टिकट मिलता नहीं है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि 2-3 महीना पहले अगर कंफर्म टिकट मिल जाता है उस ट्रेन में तो ले लेते हैं, नहीं तो वेटिंग टिकट वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि 3 महीना बाद तो कंफर्म हो ही जाएगा, अभी तो 3 महीना टाइम है। ऐसे ही मैं क्या किया कि मैं भी एक आज से 3 महीना पहले फरवरी महीना में मैं भी एक टिकट बुक करवाया था। ठीक है, बहुत हार्ड रूट नहीं, फिर भी मैं बुक करवाया था। तो 3rd AC बुक करवाया था, तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट मिला था, 1-2-3 वेटिंग लिस्ट था, तो मैं वही ले लिया। तो अनुमान आप लोग भी अंदाज़ा लगा के सोच सकते हैं कि 1-2-3 वेटिंग लिस्ट तो 3 महीने में आराम से इजीली कन्फर्म हो सकता है। कोई भी मतलब सोच सकता है कि कन्फर्म होना ही है, कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। तो वैसे ही मैं एक टिकट बुक किया था, जो कि आपका जर्नी डेट मेरा 24 मई का था, फरवरी बुकिंग किया था, जो कि कन्फर्म नहीं हुआ। 1-2-3 पे मेरा बुकिंग था और 1-2-3 पे ही रह गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक बुकिंग किया है विभूति एक्सप्रेस में, ये 24 मई का टिकट आप देखिए, आरा टू हावड़ा। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 पैसेंजर्स हो रहा है, देखिए PQWL1, PQWL2, मैंने करंट स्टेटस देखिए इसका, अब पहले का जो स्टेटस दिखा रहा है PQWL1 में बुकिंग हुआ था, बुकिंग स्टेटस और करंट स्टेटस। 4 टिकट था जिसमें मैं एक टिकट बहुत पहले ही एक टिकट कैंसिल किया था, बाद बाकी 3 टिकट मैं छोड़ दिया था। ये मैं जो बुकिंग किया था उसका अपडेट इसमें देखिए, 13 फरवरी 2023, 13 फरवरी को मैं बुक किया था 24 मई के लिए। देखिए 24 मई के लिए दिखा रहा है इसमें कि 24 मई के लिए बुकिंग हुआ है। अब इसमें चार्ट प्रिपेयर, देखिए चार्ट नॉट प्रिपेयर शो हो रहा है। ठीक है, मतलब इस ट्रेन का चार्ट लग गया है, लेकिन अभी आपको ये दिखा रहा है कि चार्ट नॉट प्रिपेयर। इसके बाद मैं आपको पेनाई स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ कि देखिए इसका चार्ट लग चुका है और ये PQWL1 पे ही रुक गया है, मतलब कन्फर्म एक भी सीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखिए गेट पैनल पर मैं स्टेटस में चेक क्लिक किया, देखिए चार्ट प्रिपेयर, चार्ट प्रिपेयर हो चुका है ना। चार्ट प्रिपेयर के दौरान मुझे देखने को मिला कि PQWL मतलब ये वेटिंग लिस्ट ही रह गया, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं होप में बैठ रहा था कि शायद मेरा एक टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है या हो रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अभी रेलवे क्या कर रहा है आम पैसेंजरों के साथ, नॉर्मल पैसेंजरों के साथ रेलवे क्या कर रही, क्या लापरवाही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आप खुद बताइए कि नॉर्मल टिकट 3 महीना पहले अगर 1-2 वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगा तो लोग क्या 40-50 वेटिंग लिस्ट लेंगे, क्या भरोसे पर लेंगे। कि जब 1-2-3 वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो रहा है तो कोई 50-60-70 वेटिंग लिस्ट चलता है, कोई क्या लेगा, कोई होप ही नहीं है। ठीक है, तो सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।